मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। पति भगवान शिव, सती और शिव भक्त ऋषियों को छोड़कर शेष सबको यज्ञ में पधारने की सूचना दे दी है। अर्थात महाराज अपनी हट पर अड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने इसके दुष्परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। कहाँ है महाराज जी? वो भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा को निमंत्रण देने स्वयं गए थे। तो फिर शिव सती को बुलाने मैं कैलाश जाऊंगी। मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। ये हम क्या सुन रहे हैं महारानी? तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध कैलाश जाओगी? हमारी पुत्री सती और जामाता शिव इस यज्ञ से वंचित रहे, ये मैं नहीं देख सकती। यदि आप निमंत्रण नहीं भेजते तो मुझे स्वयं वहां जाना होगा और मैं अवश्य जाऊंगी। महारानी, हमारी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम जानती हो? हमारा क्रोध तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म कर सकता है। हमारी बेटी सती और शिव के साथ के संबंधों को भस्म करने से पहले आप मुझे भस्म कर दें। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो सकता तो क्या अर्थ है इस यज्ञ का? क्यों कर रहे हैं आप ये यज्ञ? हम संसार के सबसे बड़े सत्ताधारी हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अधिकारों को चुनौती देने वाली तुम होती कौन हो? नारायण नारायण, शांत हो जाइए भ्रातादक्ष। आपका क्रोध जग प्रसिद्ध है, परंतु यज्ञ करने वाले को क्रोध करना शोभा नहीं देता। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? नारायण नारायण, मैं तो बिना निमंत्रण के ही हर कहीं पहुंच जाता हूँ भ्राता दक्ष। इसके लिए न आश्चर्य की आवश्यकता है न क्रोध की। देवर जी, देख रहे हैं ना इनका हट? आप ही बताइए, शिव शंकर को बुलाए बिना क्या कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कदापि नहीं। शिवजी के बिना यज्ञ अधूरा ही नहीं, अनिष्टकारी भी है भ्राता दक्ष। इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान करने के लिए आया हूँ। या तो शिवसती को निमंत्रण भेजिए या इस यज्ञ का विचार ही त्याग दीजिए। ऐसे शिव विहीन यज्ञ से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये यज्ञ होगा और शिवसती के बिना होगा, ये हमारा निश्चय है और हम अपने अटल निश्चय को कदापि नहीं बदलेंगे। नारद जी की बात मान लीजिए, शिव सती को आमंत्रण भेज दीजिए स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको शिव जी के पास कैलाश जाना स्वीकार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा आपका भाई होने के नाते। भावज विरणी की बात मान लीजिए भ्राता। एक तो तुम बिना बुलाए हमारा क्रोध जगाने यहाँ चले आए हो, दूसरे यज्ञ में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हो। नारद, हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि नारद आपके भ्राता होने के साथ साथ सबके पूज्य भी हैं। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने ठीक ही कहा है। जब विनाश समीप आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब मैं ना आपके इस महल में आऊंगा ना आपके उस अनिष्टकारी यज्ञ में। भावज गिरणी, अब आज्ञा दीजिए, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। सती, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हें किसी ने कुछ कहा?
तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझसे छिपाई, मुझसे अपनी अर्धांगिनी से। किंतु यदि नंदी न बताता तो मुझे ये ज्ञात ही न होता कि मेरे पिताश्री ने उसी पर इतना विश्व मन कर डाला जिसने सृष्टि के हित को ध्यान में रखकर विष को अमृत समझकर पी डाला। क्या उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि स्वयं एक शूद्र सी चीटी होते हुए मेरे आकाश नापते पर्वत से स्वामी से टकराने का फल क्या हो सकता है? विचार दो सती, विचार दो सारी कड़वी बातें जैसे मैंने विचार दी। कड़वाटों के स्मरण से मन मस्तिष्क दूषित हो जाते हैं। तुम्हारा सदा प्रसन्न रहना ही उचित है। सती, भगवान शिवशंकर को चंद्र का प्रणाम। अरे सती, तुम यूं ही खड़ी हो? हम तो तुम्हें साथ ले जाने हेतु आए थे। कहा पति प्रेम में तो तूने सभी को विसार दिया है सती, अपने मायके, अपने माता पिता सबको। बात यह है कि हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने दक्ष महल जा रहे थे, सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चलें, किंतु आप लोग तो अभी हमें पिताश्री ने निमंत्रित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि हमें तो आमंत्रित करने में स्वयं आए और तुम्हें विसार दें? यज्ञोजन कोई छोटा मोटा काम नहीं, हो सकता है व्यस्तताओं के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण ना रहा हो। मैं अभी जाकर स्वयं उनसे पूछकर निमंत्रण भिजवाता हूँ, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं ये विसार दूं कि मेरे माता पिता और एक मात्र ग्रह भी है, अथवा चंद्र और रोहिणी के कहे अनुसार यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली जाऊं? किंतु यदि पिताश्री ने मेरे स्वामी के विषय में पुनः कोई अनग्रह बातें कही तो? नहीं तो सुन लेना। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने स्वामी के अपमान में तो शब्द भी नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं। तो तू वहां जाने की क्यों सोच रही है जहां अपमान के कांटे चुभने की अधिक संभावना है, और जबकि तेरे पति ने भी उस प्रसंग को विसार दिया है, तो तू उनकी राख के ढेर में से चिंगारियां चुनने हेतु क्यों जाने की इच्छुक है? ये ज्ञात होते हुए भी कि चिंगारियों को हवा लग जाए तो वे भीषण अग्नि ज्वाला का रूप ले लेती हैं। किंतु मैं अपने हृदय में चिंगारियां समेटे हुए भी जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं जीवित। जो होना है सो हो ले। मैं पिताश्री से ये बात अवश्य पूछूंगी कि जिनके आगे समस्त देवता भी नतमस्तक रहते हैं, उन्हें अपमानित करने का उन्हें साहस कैसे हुआ? एक बार और सोच ले, कहीं कोई अनर्थ न कर जाए। यदि मैं न गई तो यज्ञ के रूप में बिछाया पिताश्री का ये शिव विरोधी षड्यंत्र कहीं जटिलतम न हो जाए। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु तू पुनः सदाशिव से विचार विमर्श क्यों नहीं कर लेती? उनका उत्तर संभवतः तुम्हारी दुविधा का हल निकाल दे। सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहाँ हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ,
मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु, मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश धामी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाह उपरांत पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा था, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है, महारानी वीरणी को बुलवाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बिना भगवान शिव की उपस्थिति के ये यज्ञ नहीं हो सकता। ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ के इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी हैं। किंतु वो मंगलमय भगवान शिव कहाँ है, जिनकी कृपा से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनके नेत्रों से देखे जाने पर मरुभूमि भी लहलहाती पुण्य भूमि बन जाती है। हे दक्ष, ऐसे तेजस्वी मंगलमय भगवान शिव को शीघ्र ही यहाँ बुलाकर इस यज्ञ की सफलता के प्रति पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ। देवेश्वरों, यदि वो परम शिव देवी जगदम्बा सहित यहाँ आ गए तो ही यह यज्ञ पूर्ण हुआ समझो, अन्यथा नहीं। ये मेरा सत्य वचन है। अपना सत्य वचन अपने पास ही रखो। जब सभी देवताओं के मूल भगवान श्री हरि विष्णु जी यहाँ उपस्थित हों, लोक पितामह ब्रह्मा वेदों उपनिषद और विविध आगमों के साथ यहाँ पधार चुके हों, देवगणों के साथ देवराज इंद्र भी अपना आसन ग्रहण कर चुके हों, वेद और वेदाय को जानने वाले ऋषिगण भी इस यज्ञ की गरिमा बढ़ा रहे हों, तो हमें उस शिव से क्या प्रयोजन जो अकुलीन, अनाथ और अप्रशंसक है। वो इस यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य ही नहीं है। तुम जो चाहे तर्क देते रहो दक्ष, परंतु मैं तो मात्र एक ही बात कहूंगा कि बिना भगवान शिव की उपस्थिति के तुम्हारा यह यज्ञ अयज्ञ हो गया। तुम्हारा विनाश निश्चित है दक्ष, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश। माते, माते, मैं कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ कि पिताश्री ने भगवान शिव और बहन सती को यज्ञ के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया, किंतु आप कोई उत्तर ही नहीं देते। आप कुछ बोलती क्यों नहीं माते? क्या बोलूं पुत्री, यही कह सकती हूँ कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तुम्हारे पिता से मैंने शिव सती को निमंत्रण भेजने का इतना आग्रह किया, किंतु उनके हट के आगे मैं हार गई। घर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, हर्षोत्साह का वातावरण है, किंतु मेरा हृदय किसी अनजान अनिष्ट की आशंका से काम काम जाता है। महारानी जी, महारानी जी, स्वामी ने। क्या हुआ मंगला, इतनी व्याकुल क्यों हो? यज्ञ भूमि में ददीज और स्वामी के बीच भगवान शिव की अनुपस्थिति के कारण कहा सुनी हो गई। क्रोध से भरे मुनि और अनेक शिव भक्त यज्ञ भूमि से उठकर चले गए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा।
सती 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 तुम आ गई। अच्छा किया तुम आ गई। पुत्री सती, पुत्री सती तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो रही हूँ। ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। शिव की अर्धांगिनी सती हूं प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूं जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहां आई हो? यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया है पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चली आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये साहस कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे? और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्रियों और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्वेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। पति आज तक पछता रहे हैं। जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। बैठो सती। पिताश्री अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदर पूर्वक यहां ले आइए और इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री परम पावन शिव को अपावन कहकर अपने आप को अपावन ना कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो? सती बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहां है? यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु, सृष्टि के रचनाकार परम पिता ब्रह्मा, क्या आप शिव निंदा सुनने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुए?
जिन सदा शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी स्तुति करते करते नहीं थकते, उन्हीं शिव की निंदा सुनते हुए आप मूर्ति के सम्मान निश्चेष बैठे, क्या आपके प्राण सद्बुद्ध खो बैठे, क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? महाराज दक्ष, शिव पत्नी सती इस यज्ञ के वातावरण को दूषित कर रही है, इसे रोकिए और यज्ञ से बहिष्कृत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं यजमान दक्ष प्रजापति का सरासर अपमान कर रहा हो वो यज्ञ में रहने के योग्य नहीं है, भले ही वो आपकी पुत्री ही क्यों न हो। सती, इसी समय चली जाओ यहाँ से। मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। मैं यहाँ से तब ही जाऊंगी जब आप सब शिव से क्षमा मांगोगे। मैं यहाँ शिव के अपमान का परिमार्जन करने आई हूँ, आपके कहने से चले जाने के लिए नहीं। सती, तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो, या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं, तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी। क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहां जाना है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला घोरी, नंग धड़ंग अवधूत, महाकपटी, अहंकारी। बस कीजिए दक्ष प्रजापति, बस कीजिए। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मति केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहां चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में आप शब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी वहीं के वहीं मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। Oh,
तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम अकेले लौट आए, देवी सती कहां है? देवी सती कहां है? देवी सती कहां है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं, और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं। जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ। ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। रे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा, तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा, और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचर पति शिव के हाथ हो। प्रभु, प्रभु, अब इस संकट से आप मुझे उबारिए, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अपहताः सूराः रक्षांसि वेदी सदा। Yeah.
शक्तिशाली समझता है तो मेरे बराबर का होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। सत्य है, प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भावज्वरणी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। उनकी जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे सब इच्छित मिल जाता है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर जी, उस दिन आपने कहा था आप कभी इस महल में चरण नहीं रखेंगे, किंतु आज आप मुझे सांत्वना देने यहाँ आए हैं अपना प्रण तोड़कर। नारायण नारायण, नारद अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता भावज्वरणी, चाहे फिर उसके लिए उसे अपना प्राण ही क्यों न तोड़ना पड़े। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है और जैसे ही शिवजी की कृपा होगी भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देवऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देवऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण। भावज, सती के लिए हम सबको अत्यंत दुख है, किंतु सत्य यह है कि शिवजी की इच्छा से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। ये शिव की कैसी विचित्र इच्छा है बताइए ना देवर्षि, जो संसार के सभी प्राणियों के मन से मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं, जो मृत्यु मुख में पहुंचे हैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बेटी सती को क्यों नहीं बचाया? क्यों अपनी ही अर्धांगिनी को योगाग्नि में जल जाने के लिए विवश किया? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। आप शिव लीला से अपरिचित हैं भावज, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सती तो शक्ति का अवतार थी, मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। तो फिर सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों कर दिया? सामान्य नारी के समान अपनी देह का अंत क्यों कर दिया? रोहिणी, माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया नारियों का आदर्श बनने के लिए,
सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती, सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। धात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी, वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर है। वे न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं शक्ति रूप में दर्शन देंगी, क्यों देवऋषि? हाँ रोहिणी, ये सब शिव लीलाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। शिव लीलाओं का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जब तक शिवजी की इच्छा है तब तक ऐसी विचित्र लीलाएं करके वे संसार वासियों को चकित करते रहेंगे। भावजवीरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी ये शिव लीलाएं देखें और देवाधिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिवजी की दया का चमत्कार, भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ, अवश्य जीवित होंगे। अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। परात पर ब्रह्म परमात्मा, तेरे सदाशिव को प्रणाम। करुणा सागर भक्त वत्सल, भगवान शिव शंकर को वंदन। हे चराचर पति, सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है, और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूं जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए कि जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही हैं, मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, 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 उनके कष्टों का अंत। हे सदाशिव, कष्ट का अंत आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को ज्ञात होगा, किंतु मैं आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगा कि दक्ष को जीवनदान मिले और अपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सके। दक्ष से मेरा कोई बैर नहीं श्री हरि, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सब की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। पति की मृत्यु से पीड़ित और आहत वीरणी, पत्नी की मृत्यु से पीड़ित और आहत शिव की शरण में आकर
अपने सुहाग की याचना करती है। लोक कल्याणकारी शिव उसे अभयदान देते हैं और वीरणी के सुहाग की रक्षा हित यज्ञशाला में पहुंचते हैं। स्वामी, 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 स्वामी कहाँ तुम? स्वामी, स्वामी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी प्रभु कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष, वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुक बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें ये मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। जीवन धन्य हो गया। हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे नराधम को जीवन दान क्यों दे दिया? क्यों जीवन दान दे दिया प्रभु? ये अहंकार का मारा दक्ष तो हत्यारा है प्रभु, हत्यारा। अपनी पुत्री का और इन सब का जो यहाँ यज्ञ पर लेने आए थे। प्रभु, इस दुष्ट नीच खल दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, अपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस सुखभर के लिए मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया, अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए।